खरगोन जिले के ग्राम उमरिया में 50 से अधिक लोग उल्टी दस्त का शिकार हुए, जिसमें 2 की मौत के बाद गंभीर लोगों को जिला चिकित्सालय लाया गया। बता दें कि उमरिया में पेयजल के लिए एकमात्र कुआं है, जिसका पानी पीने से लोग बीमार हुए। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि वाहन की सुविधा के अभाव में वो काफ़ी परेशान रहे। वहीं घंटों बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान जिला CMHO ने एक की मौत हार्ट अटैक से तो दूसरी ओल्ड एज से होना बताया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। पानी पी के सर, कुएं का पानी, और ये बच्चे जोन है, 10-12 जोन अच्छे इंसान है, बड़े इंसान है, रस्ता और उल्टी हो रही है। एक ही कुआ है कि और भी कई पानी के साधन हो? नहीं, एक ही कुआ है, वहाँ से नल का तो पूरे गांव का पानी वहीं से आता है। हाँ, डेरी है, बाकी तो उधर गांव रह जाता है। कितने गांव में ऐसे बीमार हुए? ये मालूम चल रहा कि 50-60 जोन है। मृत्यु कितने लोगों की भी है आपकी जानकारी में? अभी तो मैं तो इसको लेके बात क्या है, किसी की मृत्यु भी हुई है क्या आपके गांव में? हाँ, 2-3 मृत्यु भी हो गई ना। जानते हैं? जानते हो उनको? जानते हो? हाँ, जानते हैं ना। क्या नाम है? एक सॉरी नाम मालूम है, भाई का मालूम नहीं है नाम। क्या है उसका नाम? सॉरी नाम, बाप का नाम नियाल सिंह, सॉरी नाम भूरी। कैसे मृत्यु हुई? क्या लक्षण थे मतलब उनको? उनको भी ये लक्षण, डायरिया था मत। क्या नाम है आपका? बालू शिवराम। कहाँ रहते हो? उमरिया। ये सर, गांव में उल्टी दस्त कुएं के पानी के पीने के बाद में 50 से 60 लोग बीमार हुए हैं, किस प्रकार का मामला सर ये? अभी क्या, अभी हमको भी आज ही सूचना मिली है, तो हमने यहाँ पर कसराव से BMO की टीम वहाँ पहुँच गई है, वहाँ जांच करने के लिए गई हुई है। जैसे बताया है कि उल्टी दस्त हुई है, लेकिन जो मृत्यु हुई है वो उल्टी दस्त से नहीं हुई, कई कार्यकारिटी से बता रहे हैं, और एक जो है वो ओल्ड एज के कारण बता रहे हैं। BMO सबसे मेरी बात भी अभी वहाँ से ऐसी सूचना मिली है। गाँव वालों का आरोप है कि स्वास्थ्य अमला पहुँचा था मौके पर। जैसे सूचना मिली दोनों वैसे आज पहुंच गया है सुबह मॉर्निंग में, है ना, और वो देखेंगे, वो जाँच करके इलाज कर रहे हैं, और फिर आने के बाद वो अपन को सूचना देंगे कि भाई क्या हुआ है, किस कारण से सर हो रही थी। इसके कारण के हो सकता है उन्होंने कोई पानी वानी का दूषित पानी पी लिया हो, या कुछ भी कारण हो सकता है, उल्टी या फिर जैसे फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है, इस प्रकार से डेथ भी होती है। कई मरीजों का आरोप है कि वहाँ से आने के लिए वहाँ कोई सुविधा नहीं है, गाड़ी की व्यवस्था नहीं है उमरिया वहाँ से आने के, बाकी वहाँ हमारे जो हमारी है सब सेंटर से जो है वो NM वगैरह जो हमारे जो प्राइमरी वाले वो तो वहाँ पहुँच गए हैं, वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और अब BMO भी हमारे यहाँ कसराव से भी गाड़ी टीम पहुँच गई है वो ट्रीटमेंट के लिए, और इलाज करके उनका उपचार करेंगे वो, और बाकी ऐसे कोई गंभीर होते हैं तो फिर वो कसराव से लेके ट्रीटमेंट देंगे, और ट्रीटमेंट में उसके बाद भी गंभीर होते हैं तो फिर हम यहाँ इलाज करेंगे। कितने लोगों की संख्या सर अभी तक लगी? अभी उन्होंने कहीं कन्फर्म नहीं बताया, अभी 8-10 ही बता रहे हैं वो लोग। अच्छा जी, क्या नाम लिखते हैं सर? डॉक्टर DS चौहान, चेन्नई से खबर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।